ये है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का मेन गेट, आप लोग देख सकते हैं स्वर्ण जयंती द्वार बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। यह गेट अभी न्यू अपडेट हुआ है और पहले कुछ ऐसा था, काला था, आप लोग देखे होंगे। और इस वीडियो में थोड़ा सा क्लिप डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ के आसपास का ये है सीन। ये करने के बाद कुछ ऐसा है, आगे ये गोल चक्कर बना हुआ है और ये साइड में पर्ची कटने वाला जाएगा और आगे जो है वो जांच रिपोर्ट वगैरह है। मेन गेट से एंट्री करते हैं राइट साइड में तो इधर पर्ची का काउंटर है। इधर आएंगे, इसके अंदर जाएंगे तो 1-2 रुपये लगता है पर्ची का, पर्ची कटवा लेंगे। और उसके बाद ये सामने है मेन गेट हॉस्पिटल में एंट्री करने का। और सामने अनाउंस किया जा रहा है अगर इधर उधर आप बाइक या 4-व्हीलर पार्किंग करते हैं तो चालान काट दिया जाएगा। तो आप लोग आएँ तो आप पार्किंग में गाड़ी खड़ा जरूर। और मेन गेट से राइट साइड में आते हैं 20 कदम आगे तो ये मेन गेट हॉस्पिटल का, ये मेन गेट है जो हॉस्पिटल में एंट्री करने का। यहाँ से आप लोग एंट्री करेंगे, आप लोग देख सकते हैं नेहरू चिकित्सालय लिखा हुआ है। और थोड़ा सा इधर पार्क बना हुआ है जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही क्लीन दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर है पार्किंग एरिया, 2-व्हीलर 4-व्हीलर लेके आते हैं तो पार्किंग कर सकते हैं। और आगे है 2 कैंटीन, यहाँ पे नाश्ता वगैरह भोजन वगैरह कर सकते हैं। और गली से सीधा आगे जाएंगे तो डिलक्स शौचालय भी मिल जाएगा आप लोग को, बोर्ड लगा हुआ है उधर। और जस्ट पार्किंग के बाजू में इधर से आएंगे और लेफ्ट मारेंगे 100 नंबर वार्ड के तरफ, तो 100 नंबर वार्ड के तरफ आप लोग को दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक निःशुल्क भोजन का वितरण किया जाता है, जो कि इसका वीडियो अवेलेबल है, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट जरूर कर सकते हैं।